नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजीत। देखेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरें। कश्मीर घाटी के गुरेज सेक्टर में आए 2 एवलांच की वजह से 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान को जिंदा बचा लिया गया है। 4 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 25 और 26 जनवरी की देर रात घाटी में सेना के जवानों पर मौसम ने अपना सितम ढाया है। सितम ऐसा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 10 जवानों को मौत की नींद सुला दिया। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आए 2 एवलांच की वजह से इन जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में एवलांच की चपेट में सेना की पेट्रोल पार्टी आ गई थी। फिलहाल प्रशासन ने कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में खतरे वाले एवलांच को भांप कर अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब ये बारी बर्फबारी जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों में कश्मीर घाटी में 4 हिमस्खलन देखने को मिले हैं। 25 जनवरी को जहां गुरेज और सोनमर्ग में आए हिमस्खलन में सेना का एक जवान और वहीं गुरेज में 4 नागरिकों की मौत हुई थी, वहीं बीती रात गुरेज के ही नियंत्रण रेखा से सटे मांझगांव में 2 बड़े हिमस्खलन हुए हैं, जिसमें अब तक 10 शव सेना के जवानों के रिकवर किए गए हैं, 4 अभी भी लापता है। घाटी में बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई इलाके देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जवानों की मौत पर दुख जताया है। बहरहाल घाटी में आई सफेद आफत से आर्मी ऑफिसर्स की मुसीबतें बढ़ गई हैं। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, साथ ही कुपवाड़ा और गुलमर्ग में 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट भी गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।